एंड सो हे गाइस, तो तुम कैसे हो सारे सारे, तो फिर तुम सबका स्वागत है फिर से एक और हॉरर गेम में। तो आज हम खेलने वाले दी स्माइलिंग मैन हॉरर गेम। इस गेम के अंदर ये होता है कि हम रैंडम नाइट में बाहर वॉक करने के लिए निकल जाते हैं और हमें कोई भी एक रैंडम पर्सन मिलने वाला है जो कि स्माइल करते हुए हमें मिलेगा और वो हमारी तरफ बढ़ेगा और हमें उसके पास नहीं जाना। अगर मैं पास जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा, तो मुझे आज उससे बचना है या मुझे आज उससे मिलना है, तो जो भी करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का खेला। खेला सम इयर्स एगो आई लिव्ड इन दी सेंटर ऑफ ए लार्ज city in the USA. As I have always been a night person, I often got bored after my roommate, who was decidedly not a night person, went to bed. मतलब कि मेरे दोस्त बेड पे जाके सो जाते हैं जो night person नहीं है। To pass the time, I used to take long walks and spend time thinking. तो ये बाहर घूमना ज्यादा पसंद करता है। I spent 4 years like that. इसने 4 साल ऐसे बिताए walking alone at night. वो रात को अकेले घूमता था and never once had a reason to feel afraid. और उसे कभी भी डर नहीं लगा। I always used to joke with my roommate that even the drug dealers in the city were polite, but all of that changed in just a few minutes of one evening. अरे बड़ा गंदा जोक था। It was a Wednesday somewhere between 1 and 2 in the morning and I was walking near a police patrolled park quite a ways from my apartment. It was a quiet night even for a weeknight with a little traffic and almost no one on foot. No one on foot. Why? The park as it was most nights was completely empty. Oh, अब मैं समझा। इस वाले सीन के बाद पूरा पार्क खाली रहता था, मतलब कि वहां पर पुलिस वहां पे चक्कर चुकर मार के चलेगी एंड उसके बाद शांति होती थी उस पार्क में भी एंड उस रात को भी। रात होने के बाद भी शांति और साथ में पार्क में भी शांति और मतलब की कंप्लीटली एम्प्टी। अब कहानी शुरू चुका हमारी, खाली पार्क से शुरू हुई हमारी कहानी। सो दिस इज वेडनेसडे 2 AM और मैं अकेला हूँ पार्क में, जैसा कि उसने कहा था, जैसे किसने अभी स्टोरी में बताया था। और मैं अभी अकेला हूँ पार्क और मेरे को नहीं पता कि मेरे को सीधा जाना है या मेरे को पीछे की तरफ जाना। आई डोंट नो, बट मेरे को अंधेरे की तरफ बढ़ना है जो कि मेरे को सामने दिख रहा है। और साथ में ये कह रहा था कि ये रात को अकेला घूमता है एंड अकेले थिंकिंग, मतलब कि ओवर थिंकिंग करता है, मतलब कि अपनी सोचता होगा कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही है तो मेरी बंदी मुझे लात मारने को हो रही है और फिर उसके बाद मेरी शादी किससे होगी और साथ में मुझे हर कोई पसंद भी नहीं करता है तो फिर मेरी शादी किससे होगी। अगर मुझे इसी ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे कौन पटाएगा। इट मींस ये सब इसकी ओवरथिंकिंग थी। बट एकदम से अंधेरा कैसे हो गया मेरे भाई। अच्छा मतलब कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ वॉकिंग, मतलब कि मैं थोड़ा बहुत चल फिर लिया, उसके बाद मेरा क्या होगा। ओके भाई, तेरा भी क्या होगा अभी देख लेंगे हम। मैं फिर से रात को घूमने के लिए आ चुका हूँ। इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, आई एम टायर्ड, आई हैड बेटर गो होम। हाँ अभी चला जा, अब ये घूम फिर के घर पे जा रहा, डन। चलो अभी मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये घर की तरफ क्या मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ क्या। वाओ बढ़िया है। ओ मैं वहां से आया हूँ पीछे से और अगर बाई चांस वो भूत, अगर बाई चांस वो स्माइलिंग मैन गाड़ी मेरे सामने से आता है स्माइलिंग मैन, तो मेरे को यहाँ से पीछे की तरफ भागना है। बैकग्राउंड सो क्रीपीनेस, मेरे हल्के हल्के इधर बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो रखे हैं। अगर तुम लोग इस गेम को प्रॉपर हेडफोन्स में सुन रहे हो तो सुनो। आई वॉज वॉकिंग डाउन ए स्मॉल स्ट्रीट टू गेट बैक टू माई अपार्टमेंट व्हेन आई फर्स्ट नोटिस्ड इट। इसलिए कोई सामने आदमी नाश्ता हुआ देख लिया भाई, ये वही है स्माइलिंग मैन। मेरे रोंगटे खड़े हो रखे और तुम लोग एक बार अगर तुम लोग हेडफोन्स में वीडियो को देख रहे हो तो फिर सुनो। इट मीन्स मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, मतलब कि मैं अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, बट मेरे को रास्ते में एक स्माइलिंग मैन भागता हुआ दिखा। इट वॉज अ स्ट्रेंज डांस, एज ही डांस्ड ही टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, आई गेस यू कुड से ही वॉज डांसिंग कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड्स मी। ये वही है भाई, ये नाच रहा है और अभी मेरे ना और अभी अपना नाच खत्म होते ये मेरे पीछे पड़ेगा। ओ भाई ही इज डांसिंग भाई। और सोचो मतलब कि बिल्कुल रात को अंधेरे में तुम्हें कोई नहीं दिख रहा, रैंडम सिर्फ एक आदमी दिखता है वो भी डांस करते हुए और ऊपर से स्माइल कर रहा है और वो मेरे पास आ रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही हंसी थी। हिज माउथ वॉज फॉर्म्ड इन ए पेनफुली वाइड कार्टून ऑफ ए स्माइल। इस पे लिखा हुआ कि इसका जो चेहरे की स्माइल थी वो एक दर्द भरी स्माइल थी। इट मीन्स इसका ब्रेकअप हो गया या फिर इसकी बीवी ने इसको अपने घर से बाहर फेंक दिया रात को। लुकिंग ऑफ एट द स्काई I took my eyes off of him to cross the empty street. मैं अपनी आंखें क्लोज करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ कि ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। ओ हेलो, नहीं मैं इसके पास नहीं जा पा रहा। ओके ओए, इसने मेरी तरफ देखा। He had stopped dancing and was standing with one foot in the street perfectly parallel to me. He was facing me but still looking skyward. Smile still wide on his lips. Yes, उसके lips पे उसकी smile बिल्कुल चौड़ी हो रखी है, फूली हुई है। ओके, ये मेरी तरफ घूमा था बट
बाय बाय तेरी सांस होगी। स्माइलिंग मैन अगर मेरे पीछे पड़ा तो तेरे को मारूंगा मैं। जाओ 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 भग जा भग जा भग जा भग जा, मैं ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उससे बहुत दूर चला गया हूँ, बहुत दूर चला गया। बढ़िया, अब यहाँ से निकलो, अब मैं यहाँ से निकल। क्या वो अभी जस्ट पीछे था? डोंट से दैट कि अभी वो आगे सामने से कुछ जंप स्केयर देगा मेरे को। क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट राइट देख रहा हूँ। पीछे होगा तो मैं भाग जाऊंगा। वो मेरे फिर से पीछे आ रहा है। ही हैड क्रॉस्ड द स्ट्रीट, वो दूसरी तरफ आ गया क्रॉस करके और बैठ गया, क्रॉस करके बैठा हुआ है। आई वॉज शॉक्ड दैट आई जस्ट स्टूड फॉर ए व्हाइल देयर फॉर ए व्हाइल लुकिंग एट हिम। ये खड़ा हो गया, ये भागेगा। He took giant. वो मेरे तरफ भाग भाग आ रहा है like a cartoon character sneaking on someone. Only he was moving very very fast. तो तू भाग ना भाई। अरे smiling man भाई क्या है बब? ये मेरे बहुत पास आ गया, ये मेरे बहुत पास आ गया। अबे पागल तू, ये भाग क्यों नहीं रहा है? For the do you want? मुझे नहीं पता भी क्या हो रहा है। I don't know. Enter, निकलो यहाँ से, निकल निकल निकल। क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये? ठीक है ठीक है ठीक है। ये गया 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 गया। शुक्र है भाई ये गया। ये उल्टा भाग गया, मुझे लगा था एकदम से जब देसी पलटेगा। अतरी ये ले तेरी गुद्दी भाई, तेरे थप्पड़ घुसे बट को। अब गया 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 भाई गया। अबे क्या ही आदमी है। एक सेकंड, मैं नीचे को क्यों देख रहा हूँ भाई? व्हाई आई एम सीइंग ऑन द ग्राउंड यार। ओए ये भागते हुआ आ रहा है। अरे भाग, ओ ये मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है लेकिन मैं पीछे मुड़ के भाग रहा हूँ। ये चक दे पट्टे, बट ये मुझे पकड़ तो नहीं लेगा ना। आजा आजा, ये मेरे को पकड़ तो नहीं लेगा ना। अरे भाग, ओ ये पास आ गया, पास आ रहा है। चल अरे सीधा भाग गधे, सीधा भाग सीधा भाग सीधा भाग सीधा भाग। ये मेरे पास आ गया था, पास आ गया था, पास आ। ये मेरे को मार रहा है, ये मेरे को मार रहा है, मार दिया इसने मेरे को, इसने मेरे को मार दिया। आज के बाद मैं रात को घूमने नहीं आऊंगा। और ये दोबारा पलटा, और जैसे दोबारा पलटा तो ये सीधा सीधा भग जाता, बट ये उल्टा भग के आएगा। बट इस बारी मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं सीधे होकर भग रहा हूँ तो क्या अभी मैं उसी स्पीड से जा रहा हूँ, या मैं अगर इसकी तरफ देख के भग रहा हूँ क्या मैं तब भी सेम स्पीड से मैं जा रहा हूँ। मेरे को ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, वरना ये मेरी गुद्दी जब देगा। और अभी जैसे देखेगा ऊपर और सामने जाने वाला भगता वारा भगता वारा सूटम सूटा रहा है। ला 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 ला, भग जा भग जा भग जा। इस बार मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, मैं देख ही नहीं रहा भाई। ना ना ना, मैं देख चुका, मैं देख चुका, मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देख रहा, बस भाग भाग। अब भाई यार इस वाली गली का एंड कहाँ है कहाँ नहीं है मेरे को तो कुछ नहीं पता, बस वो स्माइलिंग मैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक सेकंड भाई, वो कभी भी मेरे को मार सकता है। जल्दी यार भाई, मुझे पता ही नहीं कि इस वाली गली का एंड कहाँ है भाई, ये स्ट्रीट कहाँ जा रही है। मैं बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। आई रैन अंटिल आई गॉट ऑफ दिस साइड रोड एंड बैक ऑन टू ए वेल लिट लो ट्रैफिक रोड। व्हेन आई लुक्ड बैक ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड। थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द वे होम आई केप्ट लुकिंग ओवर माय शोल्डर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग to see his stupid smell. अरे यार मतलब यार ये बंदा दोबारा उसका थोपड़ा देखना चाह रहा था, but he was never there. अच्छी बात है वो कभी नहीं मिला। I lived in that city for 6 months after that night and never went out of a night stroll again. Bye. There was something about his face that haunted me. He did not look drunk. He did not look high. He looked completely and utterly insane. And that it is a very very scary thing to see. Khatam. Hamari main story khatam ho chuki hai and abhi hum jaane wale alternate story ki taraf. Le alternate story. Alternate. इसके अंदर आई थिंक इसकी साइड स्टोरी होने वाली हमारे स्माइलिंग मैन की है। और आई थिंक इस बारी मैं अपने मोहल्ले में रहने वाला हूँ। वन नाइट आई वेंट टू द मार्केट टू बाय समथिंग टू ईट। ये बंदा हमेशा रात को ही खाने के लिए बाहर क्यों जाता है? आई डू दिस ए फ्यू टाइम्स ए वीक नॉट ओनली टू परचेज फूड बट ऑल्सो टू अप्रिसिएट द नाइट टाइम ट्रेन क्वालिटी। बड़ा बदतमीज आदमी है यार, बट दिस टाइम वॉज डिफरेंट। आई केम फेस टू फेस विद इविल वाओ इन इट्स मोस्ट सिनिस्टर फॉर्म ए टॉल मैन स्माइलिंग एंड रेडिएटिंग ए टेरिफाइंग एनर्जी। आई लेफ्ट a bit later than usual that night. It was 2 a.m. अबे रात के 2 बजे बाहर निकलेगा तो तेरे को ऐसे बंदे मिलेंगे ना। After that night I never went out again at that hour. ये उसके बाद कभी वहां पे नहीं गया, बात खत्म। यही स्टोरी होती है कि मैं रात को भटक रहा था, मेरे को कोई मिल गया और फिर उससे मैं डर गया, बट जैसे तैसे मैं बच के घर पे आ जाता हूं। बट उसके बाद मैं कभी
गया ही नहीं मैं बाहर। रात करो हमेशा घर के अंदर या फिर अपनी गाड़ी के अंदर ताकि तुम सेफ तो रह सको यार। गो टू मार्केट। अच्छा ये है मेरा घर, तो मुझे मेरा घर याद रखना है। आई थिंक ये मेरा सबसे लास्ट घर है। बढ़िया ठीक, इस चीज से मुझे याद रह जाएगा कि ये मेरा लास्ट घर है। ओ एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को वो रैंडम कहीं पे भी दिख सकता है रोड पे चलते हुए या फिर मेरे को किसी भी रैंडम घर के बगल में सीधा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा चलता हुआ मिलेगा। बस सिर्फ इतना पता है, बस मेरे को मार्केट में जाना है एंड मुझे कुछ खाने का सामान एंड जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसको होशियारी ने जाना कि वाह बढ़िया लोंडे तू बहुत अच्छा काम कर रहा भाई, इतनी रात को तू काम कर रहा ना भाई। वो आएगा वो फिर से भागेगा मेरे पीछे, बट मेरे को उससे बच के भागना है, सिर्फ इतना मुझे पता है। बस आई थिंक पहले मेरे को मार्केट जाना है, बट मार्केट का रास्ता तो कहां है, बट ये रोड पूरा सन्नाटे से भरा हुआ है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं है, बस मैं एक पागल हूं जो बाहर भटक रहा है। इट मींस मैं नहीं, जो ये गेम में चल रहा है वो हां मैं तो अपने घर पे बैठ के रात के 2:30 बजे बैठ के अपना गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मोहल्ला खत्म हो गया एंड अभी हम आ चुके थोड़ा रोड साइड एरिया पे। आई थिंक अभी मैं जंगल को क्रॉस कर रहा हूँ और आई थिंक जंगल को क्रॉस करने के बाद आने वाला है हमारा मेगा मार्ट, जहाँ से मैं कुछ खाने का सामान या फिर कुछ अपने पीने का सामान लेके जाऊंगा। समझ रहे हो पीने का? अबे कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक्स नो जूसेस, ओनली फ्रेश, ओनली नेचुरल जूसेस। ओ क्विक मार्ट, अरे भाई क्या तेरे पास ओनली नेचुरल जूसेस है? ओके ओ भाई भाई कैसा है? हेलो 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 टकले, हेलो टकले, हेलो। अरे यार मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा, वरना मैं इसके टकले पे ग्रैप्टा मारता। मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए रैंडम, भाई मैं क्या लेके जाऊं? मैं चिप्स। ओ व्यू फूड टू बाय, ओके तो यहाँ पर बहुत सारी ये क्या है? पास्ता 1 पैकेज, मतलब कि मेरे को क्या लेके जाना है? अलग अलग है, स्टिक है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स है, वाइन है, डेजर्ट है, ओ मिक्स वेजिटेबल्स भी है। हेल्दी शॉपिंग करेंगे हम, ओनली हेल्दी। चिकन, अब यार चिकन हेल्दी होता है क्या? अच्छा अच्छा होता होता। और ये क्या क्या नाम है भाई, मैंने तो पहली बार पढ़ा है। स्नैक्स शॉपिंग करेंगे हम। स्नैक्स में आ गया अपना सॉफ्ट ड्रिंक, आ गया माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, 3 बैग चॉकलेट, वेरियस आइटम्स, आइसक्रीम भी मिलेगी 2 लीटर। यार वैसे यार मैं इतनी आइसक्रीम भी नहीं खाता हूं, बट हमें स्नैक्स के मल्टीपल बैग्स दिख रहे हैं। देखो ये रहे मल्टीपल बैग्स। बारबेक्यू शॉपिंग लिस्ट, सॉसेजेस, चारकोल फॉर बीबीक्यू, अरे वाह। हैमबर्गर बंस 1 पैकेज, टोमेटो, एक मिनट ये क्या होता है, लेटस, टोमेटो एंड कंडीमेंट्स, कंडीमेंट्स या फिर कंडीमेंट्स पता नहीं भाई। बियर, बोरो कैंड बियर के, वो भी $10 में, इतने सस्ते नहीं पीते। टोटल $30.50 मैं लूंगा। हेल्दी शॉपिंग करेंगे हम बस। मैंने शॉपिंग कर ली भाई, लाओ सिर्फ ओनली हेल्दी शॉपिंग करते हैं हम। पे, गुड इवनिंग, इट वॉज $22.50। ये ले, अरे ये ले तू पैसे ले तू। इसने मेरे को दे दिया सारा सामान, बट मेरा बैग का मेरे हाथ में तो है ही नहीं। गो बैक होम। एक सेकेंड, इतना अंधेरा क्यों लग रहा भाई? ओ यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, ओ यहाँ पे गाड़ी भी है, मैं इस गाड़ी में भी जा सकता हूँ आज। फटे गाड़ी में मेरे को ले जाने दे। अरे यार ये गाड़ी तो पक्का उसकी होगी ना, देखो उसकी उसकी। अभी मेरे को घर जाना है और अभी वो मेरे को रैंडम वो स्माइलिंग मैन मेरे को कहीं पे भी रास्ते में टकरने वाला है, तो मेरे हल्के से थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट मींस मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अंदर से, धक धक हो रेला है, कहीं से भी आ सकता है। एंड अभी तक मेरा मोहल्ला आया ही नहीं है, पता नहीं मेरा मोहल्ला कब आएगा, इट मींस मेरी कॉलोनी कब आएगी जहाँ पे मैं रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ मैं। एक सेकंड, आ गया आ गया आ गया, डन, बस घर आएगा, बस घर के अंदर घुसना है, बस कोई ना मिले बस रास्ते में। अब तक तो कोई दिखा नहीं है, ना ही घर के बगल में कोई और ना कोई रस्ते में है, पर डर तो लगता है ना साहब, अंधेरे से डर लगता है। मुझे बचपन से बहुत बड़ा डरावना भूतों की तरह घूमता था मैं, मेरे को बचपन में इतना डर लगता था, तुम लोग बिलीव नहीं करो। ओ गड्डी गड्डी गड्डी, मेरे को बचपन में इतना डर लगता था कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। मैं दूर से अंधेरा देखता था बस और वहीं से भाग जाता था, मगर मम्मी पापा और अपनी आंख बंद करके पापा या मम्मी के बगल में लेट जाता था। डर लग रहा है वो कहीं से भी आ सकता है। थोड़ा संभल के भाई, मेरा घर कब आएगा? अरे यार मेरी तो हिल रही बुरी तरह, मेरा घर कहाँ है? ये यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, एक सेकंड में इसके पास नहीं जा सकता ना प्लीज। ये भाई इधर ऐसे खड़ा है मेरे घर के सामने, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मैं अपने घर में, मेरे घर का ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ओ भाई कहाँ खड़ा था, बिल्कुल कॉर्नर में स्माइल करते हुए खड़ा था। दी नेक्स्ट नाइट, भाई मैं क्यों जाऊँ बाहर? मैंने देख लिया कि बाहर कोई भूत खड़ा है, वो भी हंसते हुए अपनी काली काली आंखों के साथ। हो गया ना भाई, गो टू दी मार्केट। भाई मैं दोबारा मार्केट क्यों जाऊं? मैं क्यों जा रहा हूँ मार्केट? मैं पागल हो गया भाई, जब मुझे पता लग गया कि वहाँ पे वो एक स्माइलिंग मैन था, हंसता हुआ भूत था, मैं दोबारा क्यों जाऊंगा? मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं पागल है क्या भाई तू? इस बार वो रास्ते में खड़ा मिल गया मेरे को, अब मेरे को भागना है मेरे घर की तरफ, समझ गया मैं बेटे। अब ये डांस करेगा, पूरे डांसिंग पोज में है, चंपक चपाक चंपक चंपक, अब भागना है। ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, डांस करता हुआ आ रहा है।
लहराता वो आ रहा मेरे पास, लहराए 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 पंछी बनू उड़ता फिर मस्त गगन में। और पास बता, इतनी पास आ गया ये, अब की बारी प्लीज दूर रह। ये कुछ करेगा क्या? मुझे अपने घर की तरफ भागना है। अरे यार फिर से वही गाली, कुछ कुछ करो, मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से जाने दे। ये आई थिंक अभी पलटेगा और फिर दोबारा जाएगा अंधेरे में और फिर मेरी तरफ भागता हुआ आएगा, यही होने वाला है। यस पलट गया, भागता हो गया, मुझे लगा कि गया, बट ये मुझे डराने के लिए आएगा। पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ मस्त गगन में, आजा मेरे से खा ले घुसा पीठ पे। अरे मन कर रहा इसका एक मारू पिछवाड़े पे घुसा। मैं दोबारा नीचे देख रहा हूँ, फिर मैं ऊपर देखूंगा और ये फिर मेरी तरफ भक्के हुआ आएगा, भक्ते हुए आने वाला है ये। बस कर, दीवारें इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि तेरे सड़क इतनी अच्छी नहीं है, बेकार सड़क है तेरी, होल से तेरी सड़क में दरारे भरवा ले। भग 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 भग, अरे ओ एक सेकंड, एक सेकंड वो गया क्या? वो गया आई थिंक। मैं सीधा क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं तो उल्टा जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं जा रहा उसकी तरफ। क्या मैं अपने घर के अंदर घुस सकता हूँ क्या? मैं तो पहले वो चेक करूंगा मेरा घर कहाँ है। यार मेरा घर इतनी दूर क्यों है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ये है मेरा घर, मैं अपने घर में नहीं जा सकता, मेरे को सीधा जाना पड़ेगा। बदतमीजी यहाँ मैं अपने घर में क्यों नहीं जा सकता? जब मुझे पता लग गया कि वो उधर ही गया अंधेरे में, मैं फिर भी क्यों जाऊंगा उसके पास? गया मैं काम से। अरे क्या बदतमीज आदमी, तेरे मुंह में घुसा, इसने पकड़ लिया। अरे बच इससे। You died. इस बारी भागना है, मुझे नहीं पता, I don't know. वो बंदा रैंडम रस्ते में आएगा और वो बंदा मेरे पीछे से घूसे मारेगा, जैसे आएगा मैं यहाँ से उल्टा भग जाऊंगा। आ गया, भग जा, पीछे मेरे पीछे, मेरा देख रहा, मैं देख ही नहीं रहा। मेरा घर आ गया पीछे ना, अरे पीछे आ गया, पहुंच गया बढ़िया। डन पीछे था, उसने मेरे को एक घुसा मारा था। मैंने अपनी चाबी लगा ली, गेट खोला और मैंने अपना गेट कर लिया लॉक, डन बात खत्म। हैं सो आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, होप है कि आपको ये वाला हॉरर गेम प्ले पसंद आया, तो इसे लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तक मेरे घर के बाहर खड़ा भग जा देता है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे स्माइल करते हुए नीचे लिख देना कि तुम लोगों को कैसा लगा। अरे बस कर अब और साथ में अपने फेवरेट गेम्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं प्ले करने वाला हूँ। चलो गाइस तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ 16 इंटरेस्टिंग से गेम वीडियो के साथ। सो बाय बाय चुमी के साथ। आई थिंक ये शायद मैं बोल चुका हूँ, पता नहीं मैं एट द एंड में रिपीट क्यों कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, मिलता मैं तुम लोगों से, ठीक है? तुम लोग बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे लोग हो, ठीक है? चलो मिलता हूँ, सो बाय बाय।